हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो नई यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, दैट इज सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है, इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो आज बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे ये सीबीडीसी क्या है, ये कैसे वर्क करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीबीडीसी जो हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, ये है क्या चीज और किसने जो है इसे लॉन्च किया है। सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी की फुल फॉर्म यहां पे बन गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फिर बात आती है कि इसे लॉन्च किसने किया है। सीबीडीसी को जो लॉन्च किया है, ये किया है आरबीआई ने। आरबीआई हमें पता है, आरबीआई क्या चीज है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछ लिया जाए आरबीआई के जो है अभी लेटेस्ट जो है आजकल गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। तो ये नई जो है लॉन्चिंग यानी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है आरबीआई ने, और इसे जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है भारत में शुरू किया जा रहा है। देखा जाएगा अगर ये जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होता है तो इसे जो है मास लेवल पर जो है भारत में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ बैंकों में इसे स्टार्ट किया जा रहा है। नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, शॉर्ट में हम इसे जानेंगे सीबीडीसी के नाम से। तो इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो बनते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर बात आती है कि ये सीबीडीसी कितने टाइप की होने वाली है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है कितने टाइप की ये होगी। तो ये मेनली जो है दो टाइप की होने वाली है। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है सीबीडीसी होलसेल, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल। अब इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल का क्या काम रहने वाला है, तो इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किया जाएगा बड़े सौदे के लेन देन के लिए। जैसे कोई बैंकिंग जो सिस्टम है हमारा, इसमें बहुत बड़ा लेन देन चलता है। कोई बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो आपस में कोई लेन देन करती हैं, जैसे फाइनेंस कंपनीज हो गई या कोई वित्तीय संस्थान हो गए, उनका अगर आपस में कोई लेन देन होता है, जहां पर जो है लेन देन बहुत बड़े अमाउंट में होता है, वहां पर यूज किया जाएगा सीबीडीसी होलसेल को। एक देश से जो है दूसरे देश के साथ व्यापार करना हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है उसके लिए भी सीबीडीसी होलसेल का इस्तेमाल किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला टाइप है सीबीडीसी का, इसका नाम है सीबीडीसी होलसेल, और इसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा इस वाली करेंसी का, इसका इस्तेमाल किया जाएगा बड़े सौदे के लेन देन के लिए। छोटे सौदे के लेन देन के लिए जो है, या डेली लाइफ से रिलेटेड जो हम खर्चा करते हैं उसके लिए सीबीडीसी होलसेल का यूज नहीं होगा। उसके लिए जो है सेकंड टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं उसका यूज होगा। बड़े पैमाने के लेन देन के लिए यूज होगी कौन सी करेंसी, उस करेंसी का नाम होगा सीबीडीसी होलसेल। सेकेंड टाइप है वो है सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी रिटेल का मतलब होगा जहां पे आपको जो है छोटा लेन देन करना है, या आप रोजमर्रा से रिलेटेड जो खर्चे करते हैं वहां पर भी जो है आने वाले टाइम में करेंसी का यूज होगा, वो होगा सीबीडीसी रिटेल का। अब रोजमर्रा के काम, जैसे आपको कोई रिचार्ज करना है, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको शॉप पर जाकर कोई सामान लेना है, तो इस तरह के जो है छोटे मोटे खर्चे के लिए कौन सी करेंसी आने वाले टाइम में यूज की जाएगी, उसका नाम रहेगा सीबीडीसी रिटेल। अब देखते हैं कि ये जो है सीबीडीसी है, चाहे सीबीडीसी जो है रिटेल हो या जो है सीबीडीसी होलसेल हो, ये काम कैसे करेगी, किस तरह से जो है ये करेंसी फ्लो होने वाली है, इसका प्रारूप क्या रहेगा, उसके बारे में जो है अब बात करते हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई जो है कोई सॉलिड चीज नहीं होने वाली है जिसे आप टच कर सकें या जिसे आप देख सकें। ये एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी होगी जिसे ना तो आप छू सकते ना ही देख सकते हैं। तो ये जो है डिजिटल करेंसी रहने वाली है, यानी बिल्कुल ये क्रिप्टो करेंसी की तरह होगी। जैसे आप बिटकॉइन वगैरह के बारे में सुनते हो, तो बिल्कुल ये उस टाइप की करेंसी होने वाली है। तो बिटकॉइन वगैरह में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है आपका जो है अकाउंट होता है, वो कोई भी वहां पर जो है पब्लिक रहता है, कोई भी उसको जो है एक्सेस कर सकता है। लेकिन सीबीडीसी में बहुत सारे जो है कानून बनेंगे, वहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, वो भी हम अभी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे पॉइंट। तो अभी सिंपल आप समझें कि सीबीडीसी जो है ये ऑनलाइन डिजिटल करेंसी रहेगी। ये कोई सॉलिड कोई चीज, कोई सिक्का या कोई नोट नहीं होगा,
ये बिल्कुल ऑनलाइन डिजिटल करेंसी होगी जिसे ना आप छू सकते ना ही जो है देख सकते हैं। इसे जो है यूज कैसे करेंगे वो भी अभी बात करते हैं। फिर बात आती है कि इस ऑनलाइन डिजिटल करेंसी की फिर वैल्यू क्या रहने वाली है, यानी जो है इसका जो है प्रारूप क्या रहेगा। तो इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट रहने वाली है, इसकी वैल्यू हमारा जो अभी करेंसी सिस्टम चल रहा है रुपया बिल्कुल उसी की तरह होगी, यहाँ पर कोई वैल्यू अलग नहीं होने वाली है। और इसे जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ बैंकों में जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे SBI, PNB, HDFC, IDFC ऐसे बैंक हैं जहाँ पर जो है इस डिजिटल करेंसी को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। अगर इसे सफलता मिलती है तो वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले टाइम में जो है हम डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे। हमारा जो अभी सॉलिड प्रूफ रहता है, जैसे हम पैसों का लेन देन करते हैं इन कैश कर देते हैं, वो बिल्कुल आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। जो है पैसों का टोटल फ्लो जो होने वाला है वो होगा और इन दी फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। जैसा हम पहले भी बात कर चुके कि CBDC का हम यूज कहाँ करेंगे, तो इसका काम छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक के काम के लिए हम करने वाले हैं, जिसके लिए दो यहाँ पे टाइप्स बनाए गए हैं, CBDC होलसेल एंड CBDC रिटेल। तो चाहे छोटा काम हो, आपको शॉपिंग करवानी है, आपको बिल जमा करना है, आपको बड़े से बड़ा कोई बिजनेस का जो है आपको आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए भी जो है CBDC का यूज किया जा सकेगा। फिर बात आती है कि क्या CBDC जो है भारत में ही लॉन्च की जा रही है या और भी कोई देश है जहां पर जो है CBDC लॉन्च की जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ही एकमात्र देश है जहां पे CBDC चल रही है। CBDC जो है बहुत सारे देशों द्वारा शुरू की जा चुकी है और ऐसे अभी लगभग 9 देश हैं, 9 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो है उनकी अपनी CBDC यानी अपनी डिजिटल करेंसी है जिसको वो लोग यूज कर रहे हैं। इसका हमारे पास बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे चाइना। तो ये लॉन्च क्यों की जा रही है उस पर भी बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी थोड़े ही टाइम में जो है बिटकॉइन बहुत ज्यादा फैल चुका है, और बिटकॉइन की खामी मैंने अभी आपको बता दी कि वहां पर जो है आपका अकाउंट पब्लिक रहता है, यानी कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन को वहां पर देख सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, लोगों की जो है प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए हर कंट्री जो है अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। हालांकि कुछ कंट्रीज ने बिटकॉइन को मान्यता दी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो वह बिटकॉइन को मान्यता नहीं दे रही हैं, जैसे चाइना। तो चाइना ने बिटकॉइन को मान्यता नहीं दी, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए जो है अपना वहां पर डिजिटल करेंसी स्टार्ट की है। ऐसे ही जो है भारत भी इसके प्रभाव को कम करने के लिए, बिटकॉइन के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी डिजिटल करेंसी यूज कर रहा है, और इसके आने वाले टाइम में फायदे भी बहुत होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भारत एकमात्र देश है, ऑलरेडी 9 देश जो है अपनी डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं। तो भारत भी जो है अब इस चीज को लॉन्च कर रहा है। अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है, और पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे देखना होगा कि इसे मास लेवल पर कब उतारा जाता है। ये जो CBDC होगी ये बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह होगी, यानी इसका भी जो टेक्नोलॉजी रहेगा ये काम करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्नोलॉजी रहती है काम करने की, वो रहती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी भारत जो लॉन्च करने जा रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी भी रहेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर जो है इसकी पूरी जो अथॉरिटी रहेगी वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, यानी आपका जो अकाउंट होगा वो पब्लिक नहीं होगा, आपके ट्रांजेक्शंस बिल्कुल सिक्योर होंगे, और इनका इन पे जो है कंट्रोल बिल्कुल गवर्नमेंट का रहेगा। आपकी प्राइवेसी यहाँ पर बिल्कुल मेंटेन रहने वाली है, जो आपको क्रिप्टो करेंसी में देखने को नहीं मिलता। CBDC में जो है सारी ट्रांजेक्शंस की जानकारी गोपनीय रहेगी, यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ट्रांजेक्शन कहाँ की है, और इसका जो है एक्सेस केवल सरकार के पास रहेगा, यानी सरकार केवल देख सकती है कि आपकी ट्रांजेक्शंस कहाँ हुई हैं, कितनी हुई हैं, और इसकी अथॉरिटी और किसी के पास नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आपका जो है सिक्योरिटी है या आपकी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल मेंटेन रहने वाली है। बात आती है कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, ये आएगी कहाँ से और इसे यूज कैसे करेंगे। तो ये जो है रहने वाली है बिल्कुल जैसे आप पेटीएम या गूगल पे यूज करते हो, बिल्कुल उनकी तरह रहने वाली है। यानी इसमें भी आपका जो है एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट को आप टाइम टू टाइम टॉपअप करेंगे। वॉलेट आपके अकाउंट के साथ भी, यानी जो आपका बैंक अकाउंट है उसके साथ भी लिंक हो सकता है, तो आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से जो है इस वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, और किसी भी चीज के लेन देन के लिए, चाहे आपको शॉपिंग करनी है, चाहे आपको रिचार्ज करना है, चाहे आपको जो है कोई बिल पे करना है, तो आप
पैसों की बजाय जो है इस डिजिटल करेंसी के रूप में जो है ट्रांसफर करेंगे। तो ये बिल्कुल गूगल पे पेटीएम की तरह रहने वाला है। जब आपका वॉलेट जीरो हो जाएगा तो आप इसे फिर से टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप के मेथड दो रहेंगे, या तो आप अपने अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके इसे टॉपअप कर लें, या आप किसी और के थ्रू भी जो है अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा आने वाले टाइम में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। पर इसकी बड़ी बात यह रहेगी कि जिसके पास जो है बैंक अकाउंट नहीं है वो भी जो है इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन करेंसी का यूज कर सकता है। उसका भी जो है अपना एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट को वो अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो किसी और के थ्रू रिचार्ज कर सकता है और जो है ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं वॉलेट की, पेटीएम गूगल पे की तरह जो वॉलेट होगा, इस वॉलेट के फायदे क्या होंगे? इस वॉलेट में जो है सरकार डायरेक्टली जितनी भी स्कीम दी जा रही है, आपको कोई सब्सिडी दी जाती है, आपको कोई स्कॉलरशिप दी जाती है, या आपको कोई वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम के पैसे आपको मिलने होते हैं, तो वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ना डालकर गवर्नमेंट आने वाले टाइम में हो सकता है वो सारे जो है बेनिफिट्स आपको आपके वॉलेट में दे दे, यानी वो सारे आपको आपकी डिजिटल करेंसी के रूप में आपके वॉलेट में मिल जाएंगे। और हो सकता है वहां पर आपको साथ में उनके साथ एक्सपायरी डेट भी मिल जाए। जैसे आपको गूगल पे या पेटीएम पर कोई कूपन मिलता है, उस कूपन पर लिखा होता है वैलिड टिल 10th of November, यानी आपको वो कूपन यूज करना है 10 नवंबर से पहले पहले। ऐसे ही हो सकता है गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में जो सब्सिडी या जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करे उसके साथ एक्सपायरी डेट भी मेंशन करे कि आपको वो स्कॉलरशिप इससे पहले पहले जो है खर्च करनी है। अब ऐसा करने से होगा कि ऐसा करने से ये फायदा होगा कि जो है लिक्विडिटी है उसका जो है फ्लो मार्केट में बना रहेगा, डिजिटल करेंसी का फ्लो मार्केट में बना रहेगा, डिजिटल करेंसी एक जगह जमा नहीं होने वाली है। तो ये चीज जो है हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। जैसा हमने पहले भी बात की, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं होगा, ये बिल्कुल कानूनी जो है इसे मान्यता प्राप्त होगी, इससे रिलेटेड प्रॉपर जो है कानून बनेंगे, आपकी जो है प्राइवेसी का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। हमने कोशिश की है आपको डिटेल में जो नई करेंसी लॉन्च हो रही है इसको समझाने की। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो है कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है, आप कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और इस ऐप में जाकर आपको जो है एचपी टेट के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, एचपी टेट मेडिकल, एचपी टेट नॉन मेडिकल, एचपी टेट शास्त्री, जीबीटी आर्ट्स के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट पैकेज वहां पर मिल जाएगा, जिसमें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में आपको वहां पे मिल जाएंगे लाइव टेस्ट, जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी आपको पीडीएफ साथ के साथ मिलेंगी। हम आपके लिए वहां पर लाइव लेक्चर भी कंडक्ट कर रहे हैं, आपके डाउट सेशन जो है वहां पर हम ले रहे हैं। आपके लिए हम लेके आए हैं एचपी जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है और ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 999 में। तो आप अपने आप को जाकर वहां रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे साथ जो है बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप CS लाइव कूपन कोड का यूज करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। जल्दी से जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उम्मीद करते हैं आज जो हमने ये CBDC के बारे में समझा है आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जो है आने वाले टाइम में हमें प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अभी ये बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है, इसमें कितनी जो है हमें इसमें जो है कितनी जो है गवर्नमेंट को कामयाबी मिलती है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि इसे लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।